जी प्रणाम, मैं बोल रहा हूँ स्वामी रामदेव, मुझसे बात कर सकते हैं आप। हाँ नमस्ते बाबा, मैं जामनगर से बोल रहा हूँ, मुकेश कुमार। जी एक्चुअली मेरे पत्नी को पिछले 2 साल से सर प्रॉब्लम है उसका शुगर का। अच्छा, देखिए ये शुगर के लिए, बीपी के लिए मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ ना, आप उसको 100% फॉलोअप कीजिए और आप देखना, 1 सप्ताह के अंदर आपको रिजल्ट मिल जाएगा। और 3 सप्ताह में ये आपकी ही पत्नी, जिनको 400 आप डायबिटीज अभी बता रहे हैं, ये नॉन डायबिटिक होगी मात्र 3 महीने के अंदर, और 1 सप्ताह में आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। एक तो खाने पीने में जो है आर्टिफिशियल मीठा तो बंद करना ही पड़ेगा, वो आपने कर भी दिया होगा, और इतनी शुगर होने पर लेते भी नहीं है। खैर, खीरा करेला टमाटर का जूस इतना ले लें जिससे कि ज़्यादा पेट साफ ना हो, यदि ज़्यादा पेट साफ हो तो आधा गिलास ले लें, और ज़्यादा पेट साफ नहीं होता है तो एक एक गिलास सुबह शाम पी लें कुछ दिन के लिए। एक खीरा, एक करेला, एक टमाटर सुबह शाम 2 बार ले लीजिए। अब बात आती है मधुनाशिनी और गिलोय का काढ़ा, ये ज़बरदस्त लाभ करेगा। अब ये एक पक्ष है, इससे करीब करीब आपको 50% लाभ हो जाएगा। अब 50% लाभ किससे होगा? 50% लाभ होगा जो मैं 10 अभ्यास बताता हूँ डायबिटीज के लिए, जितना कर पाए आपकी पत्नी, वो मेरा पैकेज यूट्यूब पर भी मिलता है, मैं खुद करके बताता हूँ। मंडूकासन, शशकासन, योग मुद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन, ये बैठ करके 5 आसन, एक एक आसन को 1 से 5 मिनट, 10 आसन करने तो 50 मिनट से 60 मिनट कर लीजिए, 1 मिनट, एक एक मिनट से शुरू कीजिए। 10 आसन है, 50-60 मिनट समय लगेगा, एक एक दो दो मिनट, एक एक बार में किया, थोड़ा रिलैक्स किया, फिर किया, 1 घंटे में हो जाएगा। उत्तान पादासन, नोकासन, कंधरासन, सेतुबंधासन भी उसको कहते हैं, पवन मुक्तासन, पादांगुष्ठ नासास प्रशासन सबसे हो नहीं पाता है, ये तो जबरदस्त है, नाभि धारण भी ठीक हो जाती है और पेनक्रियाटाइटिस भी ठीक हो जाता है, जिनके पेनक्रियाज में सूजन आ जाती है, निष्क्रिया तो होती है, मैंने बहुत लोगों को ठीक किया जिसकी एलोपैथी में दवाई नहीं है। तो योग में आसन, एक आसन का समय 5 मिनट है, तो सामान्य रूप से तो मैं बोलता हूँ कपालभाति, अनुलोम विलोम आधा आधा घंटा या 20-20 मिनट कर लें, और मंडूक आसन ही खाली 5 मिनट कर लें तो ठीक है, बहुत लोग तो इसी से ठीक हो जाते हैं। लेकिन जो क्रिटिकल हैं वो ये 10 के 10 पोज करें, मैं आपको 100% श्योर करता हूं, 1 सप्ताह के अंदर आपकी धर्मपत्नी की डायबिटीज नॉर्मल आएगी और 3 महीने में नॉन डायबिटिक हो जाएंगी, यानी एवरेज शुगर जिसको ग्लाइकोसाइटिन हीमोग्लोबिन बोलते हैं, 3 महीने की एवरेज शुगर इनकी 6 से नीचे, 5 से 6 के बीच में आ जाएगी, 7 से ऊपर अभी तो इनकी 8 के आसपास चल रही होगी जो एवरेज शुगर बोलते हो। तो ये जो मैंने बोला उसको 100% डेडिकेशन के साथ फॉलो करें। कुछ लोग ना, अरे कुछ नहीं होता, ऐसी ही जो माइंडसेट बना लेते हैं ना, इससे लोग जो है ना फिर बीमारियों से समझौता कर लेते हैं, कहते हैं कि अब तो इस शुगर के साथ, बीपी के साथ, थायराइड की बीमारी के साथ, आर्थराइटिस, अस्थमा के साथ, अब तो जीने बीमारी अब हमारी हम सफर हो गई है। तो इस मानसिकता से बाहर निकलें, मैं हमेशा बोलता हूँ कि बीमारियों के साथ कभी समझौता ना करें, जो उपाय मैं बताता हूँ उसको 100% करें, जो कहता हूँ, जैसे कहता हूँ, जितनी देर करने के लिए कहता हूँ उतनी देर कीजिए, आपको पहले ही दिन से रिजल्ट मिलने लगेगा। तो आपकी पत्नी के लिए भी मैंने पूरा बता दिया है, उनके डायबिटीज़ और डायबिटीज़ के जो भी कॉम्प्लिकेशंस उनको हुए हैं वो 100% दूर होंगे, चाहे किसी भी कारण से इनको डायबिटीज़ हुई हो, चाहे जेनेटिक हो, चाहे वो कई बार आजकल इस तरह ज़्यादा मैंने कहा ना, पॉल्यूशन या फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, स्ट्रेस, किसी भी कारण से हुई हो, तो इनको डायबिटीज़ 100% ठीक होगी, जो मैंने आपको कहा।